हमारा ये क्लास नंबर 4 होगा और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। और कंप्यूटर मेमोरी स्पेशली वी आर गोइंग टू कवर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके बारे में इस पूरी क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रैम क्या है और कंप्यूटर मेमोरी का ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों हम बोलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, रैम के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको कुछ कमांड के द्वारा हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी रैम का क्या है। इजिली बिना कंप्यूटर ओपन किए हम चेक कर लेंगे कि कौन सा रैम लगा हुआ है, मैक्सिमम इस कंप्यूटर में कितना रैम लगाया जा सकता है, कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो रैम अगर हम बात करें, रैम से पहले हमें ये जानना होगा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम दूसरे एक स्लाइड ओपन करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा प्लेस जहां पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, रखते हैं। मतलब मेमोरी मींस क्या है? एक प्लेस हो गया। तो कंप्यूटर मेमोरी मींस कंप्यूटर के अंदर का एक प्लेस। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मेमोरी है। तो कंप्यूटर मेमोरी अ फिजिकल स्टोरेज स्पेस सच एज चिप आर डिवाइस विच कैन स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोरली एंड परमानेंटली। या तो टेम्पोरली हम स्टोर करेंगे या तो परमानेंटली, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। तो क्या है? एक फिजिकल स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर के अंदर, या इसको एक चिप हम बोलते हैं, जो किसी इंफॉर्मेशन को या तो टेम्पोररी या तो परमानेंटली स्टोर करती है। इसी को हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। इट इज अ स्टोरेज स्पेस वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इधर फॉर प्रोसेसिंग और फॉर फर्दर यूज। उसको स्टोर करते हैं फर्दर यूज के लिए या प्रोसेसिंग के लिए। कंप्यूटर कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर की मेमोरी, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। रियल में अगर हम कंप्यूटर मेमोरी बोलेंगे तो प्राइमरी मेमोरी ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है। किसी को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का स्टोरेज के नाम से हम जानते हैं, एक्सिलरी मेमोरी, या इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब हम क्लाउड में बात कर रहे होंगे तो वहां मेमोरी की बात जब भी आएगी तो हम वहां रैम को समझते हैं, जब स्टोरेज की बात आती है तो वहां पे हार्ड डिस्क या SSD, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम बिगिनर होते हैं तो हम सबको मेमोरी बोलते हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी, बाद में आप कंप्यूटर की मेमोरी, इन लोगों को आप कंप्यूटर की मेमोरी नहीं बोलेंगे। कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली रैम एंड रोम ही होती है, जो ये स्टोरेज इनको हम बोलते हैं, जो सेकेंडरी हमारे पार्ट है ना, इनको हम स्टोरेज बोलते हैं। अब क्लाउड में जाके हम देखेंगे, पोर्टल पे जहां भी स्टोरेज की बात आएगी वहां पे मतलब डेटा स्टोर, HDD या SSD की बात आएगी, और जहां भी कंप्यूटर मेमोरी की बात आएगी वहां हम रैम की बात कर रहे होंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो है तो ये भी मेमोरी, लेकिन ये स्टोरेज इसको हम बोलते हैं, कंप्यूटर का स्टोरेज। ठीक है, अब हम बात करें ये इसको हम मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया पड़ता है, रैम एंड रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से रोम को तीन कैटेगरी में बांटी गई है, पी रोम,
ईपी रोम एंड ईईपी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, यस रैम है, डी रैम। तो आज का जो हमारा ये क्लास है, स्पेशली वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द रैम, ठीक है। फिर हमारा आगे का क्लास एक रोम का रहेगा, और फिर ये सेकेंडरी स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं, इनके बारे में रुकेंगे। मतलब है ये सभी कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर के अंदर की एक स्पेस है जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं। वो डेटा या तो टेम्पोरली स्टोर होती है या तो परमानेंटली स्टोर होती है। तो अब कहां पे डेटा टेम्पोरली स्टोर होती है, कहां पे परमानेंटली स्टोर होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी कैटेगराइज कर दिया गया। यहां हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये रैम होता है, ये रैम एंड रोम दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, चिप दोनों है, और ये मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक ड्राइव होता है जो कि अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। ये सीडी डीवीडी है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव हम बोलते हैं। तो ये सभी हमारे कंप्यूटर के मेमोरी है, राइट। सो अब हम बात करते हैं रैम के बारे में। हमारे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, ऐसे हम समझे पहले। दो तरह का स्पेस होता है ना, दो तरह का स्पेस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया, ये हमारा घर है और यहां पर आगे एक रोड जा रहा है, सड़क है, ये सड़क है। तो यहां से ये भी स्पेस है, ये भी प्लेस है और ये भी प्लेस है। दोनों में अंतर ये है कि यहां पे हम रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, बट यहां पे हम बैठ नहीं सकते। यहां से हम केवल आ और जा सकते हैं, है ना, सड़क है। तो ये मेमोरी जो है, इस जगह को हम टेम्पोररी प्लेस बोलते हैं और इसको हम परमानेंट प्लेस बोलते हैं। तो कंप्यूटर की जो रैम होती है वो कहीं ना कहीं यही मेमोरी है, जहां से डेटा आती है और जहां डेटा चली जाती है, वहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। बट जो स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो कंप्यूटर के अंदर, वो परमानेंटली स्टोरेज होती है। जहां पे डेटा एक बार हम स्टोर करते हैं तो वो जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे, अंटिल यू डिलीट डेटा विल बी स्टोर, राइट, इधर यू फॉर्मेट और डिलीट। सो ऑटोमेटिकली और इरेज नहीं होती डेटा, बट रैम के अंदर ये इरेज हो जाती है। मतलब कंप्यूटर में दो तरह की ये मेमोरी है, ध्यान दीजिए। एक जगह जहां टेम्पोररी स्टोर हो रही है और दूसरी जहां पे परमानेंटली स्टोर हो रही है। दूसरा तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रैम को, आपने समझना है रैम कैसा काम करता है। एक ऑफिस है, एक ऑफिस है, और यहां पे ये ऑफिस है, यहां पे एक अलमीरा है जहां पे बहुत सारे फाइल्स रखे हुए हैं। यहां पे मैंने लॉक लगा दिया है। अब इसके एम्प्लॉय जब आते हैं, यहां पे टेबल बना होता है, ये टेबल है, यहां पे बैठ के काम करना होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये एम्प्लॉय आता है, ये अलमारी को ओपन करता है, यहां से फाइल्स को उठाता है और ये फाइल्स यहां पे रखता है टेबल पे, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल, दस फाइल, पचास फाइल, जितने भी। अब जो भी कस्टमर आते हैं
और ये यहां से दिखाता है इनको सारी फाइलें, ये आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल है, ये सारी फाइल। जब शाम होता है, जब ये ऑफिस बंद होता है, फिर से ये एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी फाइलों को उठा के फिर से अलमीरा में पैक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं इसको। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा सामान सारा रखा हुआ सुरक्षित कहाँ पे रखा हुआ है, ये अलमीरा में रखा हुआ जो लॉक है। और जब काम करना हो रहा तो हम कहाँ ले आकर रख रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं। अलमीरा में नहीं ना दिखाएंगे किसी को फाइल कि ये देखो आपका है, उसको उठा के लाएंगे टेबल पे रखेंगे तभी तो दिखाएंगे। सेम लाइक हमारे कंप्यूटर में ऐसा ही कुछ काम होता है। हमारे कंप्यूटर ये जो अलमीरा है ना, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जहां पे सुरक्षित डेटा रखा हुआ है। और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यहां से फाइलें उठ के कहाँ पे आती है, रैम के अंदर आती है। फिर हम जो अपना काम करना होता है वो काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर को हम बंद करते हैं, ये खाली हो जाता है टेबल पूरा, मतलब रैम खाली हो जाता है, ये फिर से ये सारी फाइलें कहाँ हो जाती हैं, हार्ड डिस्क में। तो रैम एक तरह से ये टेबल जैसे काम कर रहा है, जहां पे जो भी डाटा है वो आती है वहां पे काम होती है और फिर से वो अपनी सुरक्षित जगह पे चली जाती है। रैम इसी तरह की मेमोरी है। मैं बता दूं आपको, जैसे कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस, ऐसे समझना है। ये हम बना रहे हैं मदरबोर्ड, यहाँ पे दो तीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए, ये प्रोसेसर है, यहाँ पे लगी हुई है रैम, यहाँ पे लगी हुई है रैम, ये रैम है। और यहाँ पे किसी पोर्ट के द्वारा, साटा इंटरफेस या एसएसडी के द्वारा हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये हार्ड डिस्क है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ये हार्ड डिस्क है, मतलब परमानेंट स्टोरेज, इसको स्टोरेज भी लिख दे रहे हैं, परमानेंट। जो डेटा यहां पे आ जाएगी वो परमानेंटली स्टोर है। ये रैम है, ये सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर, यहां पे कहीं पे रोम लगा हुआ है। रोम एक चिप होता है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। यहाँ पे रोम है। जैसे कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है कंप्यूटर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज कंप्यूटर वर्क। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग, बूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं क्या होती है, हमारी सारी फाइलें कहाँ पे रखी हुई है, परमानेंटली। ये अलमीरा जैसे है कंप्यूटर, मैंने बताया ना, सुरक्षित कहाँ पे रखी हुई है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, एक अलमीरा जैसे है, जहां पे सामान रख दिया तो वहां सुरक्षित पड़ा रहेगा जब तक आप उसमें से निकालो मत। तो ये अलमीरा है, इसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव या स्टोरेज। जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यहां से फाइलें उठ के, यहां से फाइलें उठ के रैम में कॉपी होने लगती हैं। जब रैम में सभी फाइलें कॉपी हो जाती हैं, तब हमें विंडो मिलता, तब हमें डिस्प्ले मिलता, तब हम काम करना शुरू करते हैं, तब हमारा डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे या हम फेसबुक को क्यों ओपन करेंगे, फिर से वो फेसबुक वाली फाइल यहां से उठ के आ जाएगी यहां। फिर हम फोटोशॉप ओपन करेंगे, जैसे ओपन क्लिक करेंगे वो यहां से उठ के यहाँ आएगी। मतलब जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो सारा कुछ कहाँ पे हो रहा होता है, रैम के अंदर हो रहा होता है। जैसे हम फोटोशॉप को क्लोज करेंगे, फोटोशॉप वाली फाइलें फिर से उठ के चली जाएगी अलमीरा में, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव में। जैसे कंप्यूटर को शट डाउन हम करेंगे, फिर से ये रैम क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, सारी फाइलें उठ के कहाँ चली गई, फिर से अपने हार्ड डिस्क में सुरक्षित। मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी होती है रैम,
और जब तक हम काम करते हैं तब तक इसके अंदर स्टोर रहती है, जैसे लाइट जाती है, जैसे कंप्यूटर बंद होता है, ये इरेज हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर, इसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट लोडिंग ऑल बूटेबल एंड सिस्टम फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी मीन्स परमानेंट मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क टू रैम। जब इसमें कॉपी होती है तभी सारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कोई होती है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, कहते डिस्प्ले नहीं आ रहा कंप्यूटर में, मतलब ऑन तो हो रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, बट हमें स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहेंगे तो रैम का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि रैम में लोड ही नहीं हुआ है। रैम में लोड होता तब नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब रैम का प्रॉब्लम है। मतलब सबसे पहले एक टेक्नीशियन का दिमाग यही जाता है कि रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्प्ले नहीं है। क्यों? उसका रीजन यही है कि रैम के अंदर जब तक फाइलें कॉपी नहीं होती है तब तक हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने दो तीन एग्जाम्पल बताया ना, अलमीरा है और ये टेबल है, तो यहां से उठा के हम यहाँ ला रहे हैं तभी हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रैम होता है। अब यहां पे ध्यान देना है, फिर यहां पे ये रोम का काम क्या होता है? रोम एक्चुअली इनिशियलाइजेशन का काम करता है, स्टार्टिंग स्टार्टअप प्रोसेस करता है। मतलब कंप्यूटर को जैसे पावर ऑन किया, सबसे पहला काम अगर किसी का होगा तो वो रोम का होगा। ये प्रोसेस जो हो रहा है, कॉपी यहां से हो रही है रैम के अंदर, ये करा कौन रहा है? इस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, रोम के द्वारा। ठीक है, इसीलिए रैम एंड रोम को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। अभी मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। यहां देखिए, ये प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम। रैम का काम क्या है? जो सारी डेटा इसके अंदर आ रही तब डिस्प्ले मिला तब काम हो रहा है, ये प्रोसेस करा कौन रहा है? रोम करा रहा है। इसीलिए इन दोनों को मिला के हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या इनको हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। ओके, ये समझ में आया रैम एंड रोम का मतलब मेन मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर यहां पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि रैम रोम एंड स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इनका रोल होता है कंप्यूटर के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, रैम के बारे में पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया अभी कि रैम के अंदर जब तक फाइलें आएंगी नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जो भी अभी हम ये कंप्यूटर में क्लास ले रहे हैं आपका, तो ये किसमें हो रहा है? रैम के अंदर हो रहा है सारा चीज। जैसे क्लास बंद होगा, जैसे कंप्यूटर हमारा बंद होगा, ये रैम एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसीलिए रैम कहते हैं, रैम का स्पीड बढ़ाना, अगर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना, रैम की साइज बढ़ा दीजिए। हम जैसे पूछेंगे, कहेंगे कि आपको ये प्रैक्टिकल करना है, सबसे पहले हम पूछते हैं कि आपके रैम की साइज क्या है। क्यों? उसका रीजन क्या है? जब हम ओपन करेंगे कोई चीजें, जब हम कोई चीज ओपन करेंगे तो कहां पे ओपन हो रही होगी? रैम के अंदर ओपन हो रही है। मान लीजिए एक फाइल फोटोशॉप का हमने ओपन कर दिया, तो यहां से यहां तक का जगह ले लिया, ऐसे हम समझाते हैं आपको। हमने एक फाइल ओपन किया, रैम कहते हैं रैम की साइज बढ़ा लीजिए, 8 GB का रैम है 16 GB कर लीजिए, 4 GB रैम है 8 GB कर लीजिए, तो ये चलने लगेगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन ओपन किया, हमने ओपन किया फोटोशॉप, यहां से यहां तक जगह भर गया रैम में, फिर हमने ओपन किया फेसबुक, यहां से यहां भर गया, फिर हमने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहां से यहां भर गया, फिर हमने ओपन किया कुछ और, ओपन किया पावर पॉइंट, तो यहां से यहां भर गया। अब जगह कहाँ है? राइट, तो जगह जब बचेगा नहीं तो हम फिर फट से कोई ओपन हम करेंगे तो ओपन ही नहीं होगा वो फाइल, या सिस्टम हमारा हैंग हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रैम की साइज बढ़ा लो। जब रैम की साइज बड़ी रहेगी तो फिर दूसरी फाइल भी ओपन करेंगे तो उसके लिए जगह रहेगा।
क्योंकि जितनी फाइलें हम ओपन करेंगे कंप्यूटर में, एक साथ जितने फाइलों पे हम काम कर रहे होंगे, वो सारी फाइलें कहाँ पे उस समय चल रही होंगी? रैम के अंदर। ये लाइव मेमोरी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, जब तक हम काम कर रहे होंगे इसी के अंदर रहेगा। जैसे कंप्यूटर को बंद करेंगे या वो पर्टिकुलर पैकेज को हम बंद करेंगे लाइक फोटोशॉप को, तब यहां से वो चला जाएगा। राइट, ये समझ में आया? तो आगे हम चलते हैं, अब रैम के बारे में और ज्यादा डीप में पढ़ते हैं। रैम, यहाँ देखिए, प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। अब इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। ईपी रोम क्या है, ईपी, ये सभी के बारे में बाद में बात करें, अभी केवल रैम के बारे में देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा रैम ही है। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये सब इतिहास, इनके बारे में ज्यादा नहीं जाते। यहाँ देखिए, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कंप्यूटर्स यूज टू स्टोर डाटा एंड सॉफ्टवेयर टू व्हिच इट नीड टू एक्सेस क्विकली। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन साइड वैनिश व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी, मतलब चेंजेबल है। कंप्यूटर जैसे बंद करेंगे क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। टू टाइप्स रैम होता है, यस रैम, डी रैम। यस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम इज अ टाइप्स ऑफ रैम दैट होल्ड डेटा विदाउट एक्सटर्नल रिफ्रेश। यहां पे कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती इसमें। डी रैम में रिफ्रेश की जरूरत होती है। फिर से देखिए, सिंक्रोनस डी रैम, एस डी रैम जिसे बोलते हैं, एस डी रैम आया, और एस डी रैम के अंदर ये सभी रैम आते हैं हमारे। मतलब रैम की जनरेशन अगर हम बात करें तो यहां पे आता है एस रैम, डी रैम, फिर एस डी रैम। एस डी रैम ही अभी हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में। जो भी रैम हम लोग यूज करते हैं, क्या है वो? एस डी रैम। और इसी एस डी रैम का जो हम लोग यूज करते हैं, जो टाइप्स क्या क्या यूज करते हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, DDR5 भी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ, DDR5 एंड DDR6। उम्मीद किया जा रहा है कि 2024 के एंड तक DDR6 रैम आ जाएगा। अभी आपके पास DDR5 रैम तक है मार्केट में, क्या है, अप टू DDR5 रैम। तो हम DDR6 को ना लिखे तो बढ़िया रहेगा। लिख दे रहे हैं, DDR6 को आप कंसीडर मत करिए, अभी DDR5 तक है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5 में अंतर क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, इसके बारे में हम जानते हैं। रैम क्या है, रैम का फंक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि लेटेस्ट अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा रैम यूज कर रहे हैं, एसडी रैम। और एसडी रैम के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5 रैम है। अगर इसको हम देखें तो दो टेक्नोलॉजी होती है इसमें, एक होती है डिम और एक होती है सिम। इसको समझना है आप, सिम और एक होती है डिम। तो रैम आज के डेट में जो मिलेगा आपको, डिम रैम मिलता है, ड्वेल इन मेमोरी मॉड्यूल एंड सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल। तो सिम अभी नहीं मिलेगा, डिम ही मिलेगा, ध्यान रहे आपको। ड्वेल इन मेमोरी मॉड्यूल, ये पिन को डिपेंड करता है। यहाँ पे ऐसा होता है, रैम के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे पिन बनी होती हैं, तो वो उसके ऊपर, दोनों साइड पिन है तो ड्वेल इन मेमोरी मॉड्यूल है, एक साइड है तो सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल। तो अभी आज के डेट में ड्वेल इन मेमोरी मॉड्यूल ही आ रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इसको, ये रही, इसको हम बोलते हैं। देखिए सिम है, ये सिम रैम है, यहां से डीम आ गया, ये देखिए आरडी रैम, पहले का सभी रैम है। और आज के डेट में जो आ रही है, ये रैम आ रही है डीडीआर रैम, यहां से डीडीआर
टू डी डी आर थ्री ऐसे, ये जो होती है पिन, ये इनको हम बोलते हैं। और ये पिन जो मॉड्यूल होता है, पिन अलग अलग होता है साइज का, कितने पिन है, ये देखिए इतना पिन दिया है, 144 पिन दिया है, 184 पिन दिया है, 240 पिन दिया है, ऐसे ऐसे। अभी DDR4 DDR5 में बहुत ज्यादा पिन हैं। ये रैम के यहाँ पे आपको दिखेगा इसके डेंसिटी एंड साइज, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, स्पीड जिसको हम बोलते हैं, ये DDR2, और पावर कितना कंज्यूम करेगा, ये चीजें याद रखेंगे, याद करना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है बस यहाँ पे। और डेंसिटी इसकी ये है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये वाला मेगाबाइट पर सेकेंड, ये जो इसकी मैक्सिमम आईओ स्पीड, क्लॉक स्पीड जिसे बोलते हैं, ठीक है। रैम जब हम लेते हैं ना, तो दो चीजों पे ध्यान देना होता है हमें, रैम जब हम लेते हैं दो चीजों पे ध्यान देना होता है, कौन कौन सा, एक होता है स्पेस, कि कितना स्पेस हमें रखना है, दूसरा होती है स्पीड। तो स्पीड यही होती है, ये जो हमने बताया यहाँ पे, ये दैट इज द स्पीड, ये सभी स्पीड है इनकी। और स्पेस की अगर बात करें तो कैसे रैम आता है आज के डेट में, कहते हैं 4 GB का रैम है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ऐसे रैम आते हैं। और स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पे कितना, 266 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड, 400 Mbps, 1066, 1300 Mbps, फिर 2133 DDR4 में ही, और भी स्पीड है इसके अलावा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसकी। तो कैसे चेक करेंगे हम कंप्यूटर में कि इसका स्पीड क्या है, ये भी हम कमांड के द्वारा बताएंगे। तो अब एक्चुअली होता क्या, जब आप रैम खरीदने जाते हो तो आपको क्या क्या ध्यान देना है। अब डिम सिम के बारे में तो कुछ करना नहीं, क्योंकि आज के डेट में डिम ही रहेगा, वहां पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है यहाँ पे DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 DDR5, इस पे ध्यान देना कौन सा रैम आपने लेना है। तो आज के डेट में क्या मिलेगा आपको, या तो DDR3 DDR4 या DDR5, ये सब एक्सपायर हो चुके हैं, जा चुके हैं मार्केट से। और दूसरा क्या देखना है, हमें साइज देखना है, 8 GB का रैम लेना है, 16 GB का रैम लेना है, या 32 GB का रैम लेना है। दूसरा इसकी स्पीड, ये कोई नहीं देखता है, आपने इसको भी देखना है, चेक करना है। आईओ स्पीड, इनपुट आउटपुट, मतलब क्या होता है इनपुट आउटपुट, क्या करता है रैम। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इनपुट से कोई डेटा आती है रैम के अंदर, रैम माइक्रो प्रोसेसर को, तो इनपुट आउटपुट का काम जो करती है उसकी स्पीड है, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हमारे रैम है। और अब हम बात करते हैं कि रैम, अभी तक समझ में आया रैम में क्या, DDR3 DDR4 DDR5 कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक इन आवर कंप्यूटर विच रैम हैज बिन इंस्टॉल्ड, इधर DDR4 और DDR5 या DDR3। तो आपको ये कोड याद रखना पड़ेगा, आपको ये कोड याद रखना पड़ेगा, प्लीज नोट डाउन दिस कोड, कि अगर DDR1 रैम है तो इसकी कोड होती है 20, अगर DDR2 रैम है तो इसकी कोड होता है 21, अगर DDR3 रैम है इसका कोड होता है 24, अगर DDR4 रैम है तो इसका कोड आता है 26, अगर DDR5 रैम है तो इसका कोड होता है 28। तो यहां से आपको मालूम हो जाएगा कि जो कोड, जब हम कोड चेक करेंगे कमांड के द्वारा, तो ये मालूम हो जाएगा कौन सा रैम आपको, ये अगर याद रहा तो, इसके द्वारा हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा रैम हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में
लगी हुई है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कमांड देंगे हम, ये याद रखना है। तो सीएमडी में जाएंगे और चेक करेंगे, यहां पे कमांड देंगे क्या, डब्ल्यू एम आई सी मेमोरी, WMIC मेमोरी चिप गेट मेमोरी टाइप कॉमा SM BIOS मेमोरी टाइप, ये कमांड देंगे। यहां पे दिख जाएगा, आप देख लीजिए क्या दिख रहा है, 26। और मैंने अभी बताया था आपको 26 अगर है तो ये DDR4 रैम है, अगर 24 रहता तो DDR4 रैम है, DDR3 रैम है। आप कमांड, आपके पास कंप्यूटर है तो आप चेक कर सकते हैं इस कमांड को। इस कमांड को मैं दे दे रहा हूं नोट पैड पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। एक कमांड ये है, ठीक है, चेक करने के लिए कि कौन सा रैम हमारे कंप्यूटर में लगी हुई है, DDR3 रैम है, DDR4 रैम है या DDR5 रैम है, राइट, इस कमांड से। चलिए हम दूसरा कमांड बताते हैं आपको। दूसरा कमांड कैसे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इसकी स्पीड को भी चेक करेंगे अब हम लोग। तो दूसरा कमांड है यहाँ पे WMIC मेमोरी चिप गेट मेमोरी टाइप कॉमा SM BIOS मेमोरी टाइप कॉमा स्पीड, ये यहाँ पे स्पीड भी दिखा देगी आपको कि क्या स्पीड है हमारी इस रैम का। देखो 2667, दो रैम लगी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए दो क्यों आ रहा है, क्योंकि दो रैम लगी हुई है इसमें, DDR4 की दो रैम लगी हुई है और दोनों की स्पीड देखिए सिमिलर है। तो कमांड बिना कंप्यूटर को लैपटॉप को ओपन किए सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पता कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्लास मैंने बताया था कि मदरबोर्ड को चेक करना, मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन चेक करना, और यहाँ पे ये चेक कर ले रहे हैं आप रैम को, ठीक है, रैम भी हम चेक कर सकते हैं ऐसे। तो ये स्पीड चेक कर लेंगे हम लोग। अब हमें ये चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि इस कंप्यूटर में मैक्सिमम कितना रैम लगा सकते हैं हम, मतलब रैम की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है हमें। है मान लो 8 GB रैम आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में लगी हुई है, आपको चेक करना क्या हम 16 GB का रैम लगा पाएंगे, कंपैटिबल है कि नहीं मदरबोर्ड, राइट ना। तो उसके लिए कमांड देखिए, और एक चीज और चेक करना हमें, हाँ पहले वो चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी इसका चेक कर लेते हैं। तो WMIC इस कमांड को भी मैं लिख दे रहा हूं वहां पे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे WMIC मेम फिजिकल गेट मैक्स कैपेसिटी, ये रहा, ये मैक्सिमम कैपेसिटी चेक करके बता देगा। अभी देखिए हमारे कंप्यूटर में रैम कितनी लगी हुई है इस समय चेक करने के लिए, DXDIAG जो भी एक कमांड है ना, इसको रन में बिज लिख सकते हैं और यहाँ पे डॉस में भी सीएमडी में भी। तो DXDIAG यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमारे कंप्यूटर में 32 GB की रैम लगी हुई है, यहाँ दिखा रहा है 32 GB, ठीक है, 32 GB की रैम लगी हुई है। और मैक्सिमम कितना हम लगा सकते हैं, इतना लगा सकते हैं, कितना है इसको कैलकुलेट करके देखें, ये KB में होता है, इसको कॉपी करिए, कन्वर्ट
केबी टू जीबी में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो केबी है वो, इसको यहां पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। और यहां देखिए सिक्सटी फोर प्लस कुछ दिखा रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये तकरीबन 67 GB के रैम लगा सकते हैं, मतलब 64 GB तो आराम से हम लगा सकते हैं अपने इस कंप्यूटर में, इतना रैम लगा। 32 GB लगी हुई है और हम अपग्रेड करना चाहें तो हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड करने का ऑप्शन है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि ये कैलकुलेटर होता है, आप अलग अलग कैलकुलेटर है, किसी भी कैलकुलेटर से आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि ये भी। यहाँ देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली आ रहा है यहाँ पे, वो मेगाबाइट में आ रहा था, यहाँ पे देखिए इनका बढ़िया है यूनिट कन्वर्टर। ये मैंने कॉपी किया वहां से और ये कितना एग्जैक्टली 64 GB की रैम हम लगा सकते हैं। ये रहा, ये एक्चुअली MB में इतना किलोबाइट है ना, 64 GB। कितने स्लॉट हमारे कंप्यूटर में है, रैम के कितने स्लॉट हैं, उसके बारे में आपको पता करना है। हाउ टू चेक नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड स्पीड इन कंप्यूटर लैपटॉप और डेस्कटॉप, राइट। तो उसके लिए कमांड है मैक्सिमम कैपेसिटी को भी हम कॉपी कर दे रहे हैं वहां पे। फिर एक कमांड है WMIC। अच्छा, ये जो मैंने मैक्सिमम साइज बताया ना अभी, उसको और भी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे इसमें रैम, हमारे लैपटॉप में रैम है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट प्रेस करना है और यहाँ टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में आपको यहाँ पे आना है, परफॉर्मेंस में आना है और मेमोरी यहाँ पे दिख जाएगी आपको, 32 GB की मेमोरी है, ठीक है। 32 GB DXDIAG कमांड से भी आप देख सकते हैं और यहां से भी आप आके देख सकते हैं रैम, ओके। और इसके बाद WMIC चैनल में दिखा देता हूं लास्ट में, WMIC मेमोरी चिप गेट डिवाइस लोकेटर कॉमा कैपेसिटी। अगर केवल लोकेटर डिवाइस लोकेटर देखते हैं तो ना ये से नहीं आएगा, फिर यहां पे हमें देना पड़ेगा कैपेसिटी एंड स्पीड। कैपेसिटी एंड स्पीड तब पूरा आएगा। ये नहीं, कुछ प्रॉब्लम आया, स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पे, डिवाइस। अच्छा, डिवाइस लोकेटर दिखा देते हैं, हाँ यस, डिवाइस लोकेटर से भी आ जाएगा। हमने केवल क्या दिया, मेमोरी WMIC मेमोरी चिप गेट डिवाइस लोकेटर, तो ये दिखा दे रहा दो चैनल हमारे पास है, दो डिम करके यहाँ देखिए दो रैम स्लॉट है, ये रैम स्लॉट है। अब उनके स्पीड चेक करने हमें, तो और मैक्सिमम कैपेसिटी, तो अगर स्पीड हम चेक कर लें केवल तो ये स्पीड दिखा देगा यहाँ पे, और हमें मैक्सिमम कैपेसिटी भी चेक करनी है तो वो भी बता देगा आपको। ये ओ थोड़ा भी इधर उधर नहीं लेगा। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी स्पीड ऐसे, एक मिनट, WMIC मेमोरी चिप गेट
डिवाइस लोकेटर, डिवाइस लोकेटर कॉमा कैपेसिटी कॉमा स्पीड। यस आ गया। तो ये देखिए यहां पे दिया है कि अभी जो स्पीड हमारे रैम की दो चैनल है ना, स्पीड है 2667 मेगाहर्ट्स और इनका एक रैम की साइज है 16 GB। आप देख लो इसको, इसको कॉपी करो और 16 GB 16 GB की है, ठीक है 16 GB की है, 16 GB की है। तो 32 GB की रैम अभी लगी हुई है, मैंने दिखाया भी आपको वो तरीका है। मतलब दो यहाँ पे चेक करने के लिए कि दो हमारे रैम स्लॉट हैं, इनकी स्पीड है। तो ये सारे हम कमांड के द्वारा देख सकते हैं।